हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय बन रही है और मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। उसके लिए लहसुन प्याज भिंडी टमाटर वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में भिंडी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है भिंडी प्याज वगैरह डाल के, क्योंकि भिंडी थोड़ी ही थी, बस ब्रेकफास्ट के लिए ही बनानी थी। और दही रोटी, इसी का है आज का ब्रेकफास्ट। तो सब लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और मैं कर लेती हूँ अपने घर के साफ़ सफाई। तो आ गई हूँ मंदिर में, पूरे घर में पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले मंदिर को साफ़ कर देती हूँ। और मंदिर में मैंने ना सुबह भी एक बार सफाई कर दी है, लेकिन अभी पूरे घर की सफाई करूंगी। तो माता रानी को नीचे मैंने बैठाया हुआ है, नीचे चौकी लगाई हुई है, इसलिए मैं झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब तक नवरात्रि चल रही है, माता रानी विराजमान है, चौकी नीचे लगाई हुई है, तो यहाँ पर मैं पहले कपड़े से सफाई करती हूँ और एक कपड़े से पोछा लगा देती हूँ। स्पेशली पोछा मंदिर के लिए मैंने ये अलग बनाया हुआ है एक कपड़े का, क्योंकि जो पूरे घर में तो पैर पड़ते हैं, चप्पल पड़ती हैं सारे दिन, लेकिन मंदिर में मैं उस पोछे से पोछा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि चौकी को फर्श पर ही लगाया हुआ है। और वैसे भी जब हमारे घर में और कहीं भी हवन वगैरह होता है, माता रानी जब चौकी लगी हुई होती है और हवन की जगह पर कपड़े से ही साफ़ करना चाहिए, हमें झाड़ू से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू हो सकता है कि तस्वीर वगैरह को टच हो तो वो अशुभ होता है। इसलिए मैंने कपड़े से ही साफ़ करती हूँ और उस दूसरे कपड़े से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पूजा की जगह को कपड़े से ही साफ़ किया जाता है, झाड़ू से साफ़ नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मंदिर को सबसे पहले साफ़ करने के बाद पूरे घर में एक बार फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह की झाड़ू तो जल्दी जल्दी ही लगाई है और अभी लगभग 7:30 बजे हैं। तो यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये वॉशरूम की चप्पल रहती हैं, इनको अलग मैंने हाथों से उठा के रख दिया है और हाथ को फिर से वॉश कर लिया है। फटाफट से झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पर और मिलती हूँ आपको बाद में। और कल की वीडियो नहीं आई है, आज शायद तीसरा नवरात्रा है और कल वीडियो डाली तो थी, लेकिन येलो डॉलर आ गया, उसकी वजह से मैंने सो नहीं की है, क्योंकि पूजा की डेली डेली तो नहीं बनाई है, कल बनाई थी, लेकिन वही है कि येलो डॉलर की वजह से मैंने वो पब्लिक नहीं की है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। जब उसका येलो डॉलर हट जाएगा तब उसको पब्लिक करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लहसुन छील लिया है और हैंड वॉश करके आ गई हूँ एक एप्पल को, इसको वॉश करके आ गई हूँ, क्योंकि लहसुन के हाथ थे तो हाथों को मैं पहले ही वॉश करके आ गई हूँ। एप्पल ले लिया है, इसको भी वॉश करके आ गई हूँ, क्योंकि पूजा तो हो गई है और व्रत तो मैं पंचमेवा से ही खोलती हूँ, लेकिन बाद में एप्पल खा लेंगे, क्योंकि अभी लगभग 11 बज गए हैं, उसके बाद मुझे कढ़ी बनानी है। तो उसके लिए मैंने लहसुन को पहले ही छील के रख लिया है, क्योंकि पानी में पहले ही मैंने इसको भिगो कर रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं जब भी टाइम लगता है इसको छील लेती हूँ। तो मैंने पंचमेवा खाया, सोचा कि पहले लहसुन को छील कर रख लेती हूँ, ये मैंने गांठ गला के रखी हुई थी, लहसुन को छील लिया है, अभी एप्पल को कट करके रख लेते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना होता ही है। और आज शायद आज चौथा है, चौथा व्रत है, तो खा लेते हैं एप्पल और चलते हैं किसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और लहसुन प्याज वगैरह कट करके ले आई हूँ। पूरी रेसिपी नहीं शेयर की है यहाँ पर मैंने कढ़ी की, मैंने पहले ही पकौड़ियाँ तो बना ली हैं, जीरा हींग मेथी दाना उसी का तड़का लगाती हूँ, उसके बाद लहसुन प्याज सारी चीज़ों को फ्राई करके ही बनाती हूँ कढ़ी, मैं बाद में तड़का नहीं लगाती हूँ, पहले ही लगा देती हूँ। और लस्सी में या दही में बेसन को घोल के उसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। और वैसे भी मैंने कई बार पहले भी अपने चैनल पर की हुई है रेसिपी शेयर, यहाँ पर मुझे थोड़ी ही कढ़ी बनानी है, चावल वगैरह नहीं बनाने, रोटी और कढ़ी ही बनानी थी। तो आज मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रहा था, 12:15 बज गए हैं, इस वजह से ही सोचा कि बस
बना लेती हूँ। रेसिपी तो फिर किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि कढ़ी तो बनती ही रहती है और हमेशा ये पकौड़ी वाली कढ़ी ही बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी छोटी ही थोड़ी ही पकौड़ी बनाई थी, 4-6 ही, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है सबको और चावल तो बनाने नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है 2 और फटाफट से अभी रोटियाँ बना लेती हूँ और दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि कढ़ी तो बन गई है और लंच का टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पर रोटी सेक ली है मैंने, प्याज वगैरह कट कर ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो लहसुन प्याज खूब खाया जाता है, तो कढ़ी और दाल के साथ तो प्याज ज़रूर खाई जाती है। अचार वगैरह और प्याज सलाद में कढ़ी रोटी, यही है आज का लंच। तो ये रोटी इतने सेकती रहेगी और मैं थाली पकड़ा के आ जाती हूँ। दो थालियाँ लगाई हैं, तो सोच रही थी कि ये रोटी और सेक लूँ तभी पकड़ा के आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये भिंडी तो सुबह बनाई है ब्रेकफास्ट में, और यहाँ पर कढ़ी भी बन गई है अचार प्याज के साथ। सब लोगों का हो चुका है खाना और मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ खाने के लिए। तो अभी फ्रेंड्स बजे हैं 2, तो 4 बजे के करीब खाती हूँ। यहाँ पर मुझे समा के चावल की खिचड़ी बनानी है, उसके लिए मैंने पनीर कट कर लिया है, टमाटर कट कर लिए हैं, आलू को बॉईल किया हुआ एक आलू रखा हुआ है तो उसी को डालूँ, इसीलिए आलू कट नहीं किया है। घी में बनाते हैं हम अपने जो व्रत का खाना होता है, तो यहाँ पर देसी घी गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से जीरे के दाने, क्योंकि हम लोग जीरा खा लेते हैं, हरी मिर्ची भी खा लेते हैं, इसलिए हरी मिर्ची टमाटर डाल दिया है और व्रत वाला सेंधा नमक। टमाटर हरी मिर्ची को अच्छे से गला लिया है, तो पनीर भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि पनीर को मैं 2 मिनट तक इसी घी में फ्राई करूँगी और बहुत कम घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि घी से थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता है, इसलिए कम घी में ही इसको बना रही हूँ। आप ज़्यादा पसंद करते हैं घी खाना तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने पनीर को टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट तक, और अभी चावलों को पहले ही वॉश करके गला कर रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये व्रत वाले चावल हैं जो सामक बोलते हैं, सामा के चावल, उन्हीं को मैंने इन सब्जियों के साथ फ्राई कर लिया है अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ पर एक आलू को कट करके डाल सकते हैं, लेकिन आलू बॉईल किया हुआ रखा, मुझे लगा कि उसी आलू को बाद में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जब अकेले का खाना होता है और मैं अकेली ही बनती हूँ, और बाकी लोग होते तो अच्छे से घी में अच्छे से बनाती, लेकिन मैं घी कम खाती हूँ क्योंकि बीपी बढ़ जाता है उसकी वजह से। बस चावलों को भी फ्राई कर लिया, उसके बाद चावलों से यहाँ पर मैंने 2 गुना पानी डाल दिया है, और बस मंदी मंदी आग पर स्लो गैस पर इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ मिनट के लिए मैं इसको खुला ही बॉईल करूँगी, उसके बाद कुछ देर के लिए ढका कर पका लूँगी। और ये ना जो व्रत वाले चावल होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हुए हैं कि ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अभी गैस को तो बंद कर देती हूँ और इसको ना आलू जो मैंने बॉईल किया है उसको मिक्स कर देती हूँ और ढक के रख देती हूँ। थोड़ी देर में ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, जो इसका पानी है वो ये खिचड़ी एब्जॉर्ब कर लेगी और दही के साथ हम इसको खा सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर हमारा यानी कि फलार का खाना बनकर तैयार हो गया है। अभी बजे हैं 4, तो इस टाइम ही खाती हूँ दिन ढले, क्योंकि बार बार तो खाते नहीं हैं, एक बार ही खा लेते हैं नमक का। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना।